चुनाव का आखिरी चरण और सासाराम लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे मुकाबला मुसाफिर मंत्रा के तहत हम पहुँचे हैं सासाराम में। यहाँ पे जानते हैं लोगों से राय और खास तौर पे अगर यहाँ बात कर ले जिस तरीके से छेदी पासवान जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से और महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मीरा कुमार हैं, तो लोगों की क्या कुछ राय है हम जानते हैं कि किस तरीके से वो इस चुनाव को देखते हैं। कई सारे लोग यहाँ पे बाजार में हैं, अगर हम जानना चाहें आपसे तो किस तरह का मुद्दा होगा इस चुनाव में। ठीक है, सबसे पहले तो हमको लगता है हर कोई के जहन में राष्ट्रहित सबसे बड़ा मुद्दा है। हर कोई राष्ट्रहित को लेकर के और अपने देश के डेवलपमेंट को लेकर के हर कोई उसको देख करके ध्यान में हमको लगता है वोट करने जा रहा है इस बार। आप बताएं क्या मुद्दा है? मुद्दा वही विकास का मुद्दा है, और क्या है, लोग पब्लिक चाहती है कि विकास हो, हर चीज में डेवलपमेंट हो, अपना हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो, इसीलिए विकास चाहती है। और तो विकास का मुद्दा होगा, आप बताएं। देश की सुरक्षा सबसे पहले, नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट, गुजरात का जाके वहाँ देखे काम कितना अच्छा है, मगर यहाँ कुछ नहीं है। जो 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया आज भी नहीं करेगा। वो तो उम्मीदवार को ध्यान में नहीं रखेंगे, उम्मीदवार को हमको रखना ही नहीं है, सिर्फ मोदी, मोदी कम बैक, सिर्फ मोदी। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी यहाँ की उम्मीदवार जो दे रखे है ना वो सही नहीं है, लेकिन अब लोगों की मजबूरी हो गई है यहाँ के उम्मीदवार को वोट देना, क्योंकि अगर जो यहाँ के उम्मीदवार जीतेंगे इस बार तो ड्यू टू मोदी, नहीं तो शायद वो हार भी सकते हैं, ऐसा ही स्थिति है। नहीं, हमको मोदी चाहिए बस। अब यही बात है ना, मोदी चाहिए, बीजेपी, लेकिन आप बताएं कि क्या मुद्दा होगा, मुद्दा क्या होगा? ऐसे तो ना मीरा कुमार सही है और ना छेदी पासवान सही है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बनी थी, उस समय कुछ नहीं की, जो कि उसको प्रधानमंत्री भी प्रणाम करते थे, समझ गए। ये दोनों नेता हटाकर यहाँ हरजन क्षेत्र से जनरल क्षेत्र होना चाहिए, इसलिए कि नेता ये बहुत बहुत ज्यादा सासाराम का नुकसान है, इसलिए। अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि छेदी पासवान वो उम्मीद पे खड़े उतरे? नहीं, तो बोला ना कि वो मजबूरी है यहाँ की जनता की, जनता की मजबूरी है, इसलिए जनरल होना चाहिए। बताए भाई, 5 साल में वो कुछ नहीं किया है, छेदी पासवान कुछ नहीं किया, जी छेदी पासवान यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गए, सर दर्द कह सकते हैं। आप बताएं भाई, जनप्रतिनिधि से खुश है? नहीं, जनप्रतिनिधि से खुद नहीं है सर। यहाँ सासाराम में लोग केवल मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, छेदी पासवान के नाम पर वोट नहीं दे रहे। यहाँ बस मोदी पास, मोदी छेदी जी हैं, आज तक कुछ विकास नहीं किया, कुछ नहीं। मोदी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कुछ कर रहे हैं, इसलिए उनको ही वोट दिया जा रहा है, ना कि यहाँ पर छेदी पासवान या मीरा कुमार कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर्व त्योहार भी होता है, उसके मौके पर भी वो कभी झांकने या कुछ करने के अलावा नहीं आते हैं। सिर्फ और यहाँ का मजबूरी है कि मोदी को जिताना है, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मोदी को छेदी पसंद है, कोई भी उसको वोट दिया जा रहा है। छेदी पसंद कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से छेदी पसंद को वोट दिया जा रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर ये नाराजगी जो है वो क्यों है, अगर हम जानना चाहें तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। जब लगा था 3 दिन चला था, उसके बाद आज तक 1 दिन बॉल नहीं भरा, यहाँ तक यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं भरा, बस लाइट का व्यवस्था नहीं, वहाँ तक बस लगा 3 दिन चला है, उसके बाद आज तक बॉल ही नहीं भरा यहाँ तक। 5 साल में सासाराम में कुछ नहीं किए हैं, 5 साल में कुछ नहीं सासाराम। हम लोग की सिर्फ नरेंद्र मोदी की वोट दे रहे हैं, छेदी पासवान वोट नहीं दे रहे हैं। वोट देने की उम्र हो गई आपकी? हाँ, वोट हो गई, इस साल आया, पहली बार वोट। हाँ, इस साल। अच्छा, आप बताएं भाई, आप मतलब सासाराम का अगर तबियत कोई खराब हो जाता है तो अगर दिल्ली जाना हो कि मीरा के नाम पर ही आप लोग मतलब आप मतलब कि बहुत सारा मतलब सुविधा मिल जाता है। और यहाँ के लिए छेदी मतलब यहाँ पर हमारा कोई मतलब पहचान वहाँ पर नहीं है, हाँ, इसलिए हम लोग छेदी पर वोट नहीं देंगे, मोदी जरूरी है, केवल मीरा को, मीरा कुमार, मीरा कुमार। आप बताएं भाई, क्या मुद्दा है, क्या स्थिति है? विकास है, विकास करेगा उसी को दिया जाएगा। अच्छा, अपने जनप्रतिनिधि के काम से खुश है? जनप्रतिनिधि के नाम से तो खुश नहीं है, लेकिन देश को देखा जा रहा है। अच्छा, तो ये कुछ वस्तु स्थिति है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बाबू जगजीवन राम की ये भूमि रही है, और आज़ादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए और जब तक जगजीवन राम आजीवन जो है यहाँ से प्रतिनिधित्व किए 1986 में उनकी मृत्यु तक, उसके बाद फिर 89 में चुनाव जो हुए यहाँ पे छेदी पासवान उम्मीदवार बन के आए थे और फिर वो यहाँ से जीत हासिल किए। और अब जो स्थिति है छेदी पासवान और मीरा कुमार में एक बहुत ही
दिलचस्प मुकाबला है और यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं हालांकि अपने जनप्रतिनिधि के कामकाज से खुश नहीं है, लेकिन दो तरह की बातें निकल कर सामने में आ रही है। कई लोग जो है वो जनप्रतिनिधि के कामकाज से खुश नहीं है लेकिन केंद्र की बातों को लेकर वो वोट करने की बात कहते हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं, आप ये बताइए कि केंद्र ऊपर देखकर मतदान होगा या फिर जो उम्मीदवार हैं उनको देखकर मतदान होगा? देखिए, यहाँ अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं छेदी पासवान जी, उनका कोई क्रियाकलाप यहाँ दिखता नहीं है, चाहे फील्ड पे लीजिए या लोकल स्तर पे लीजिए। लेकिन आज यहाँ की जनता अगर वोट दे रही है तो वो केवल मोदी जी को देखकर दे रही है, और मोदी जीतेंगे, किसी भी हालत में जीतेंगे। छेदी मजबूरी है लेकिन मोदी जरूरी है। अच्छा, छेदी मजबूरी जी, बिल्कुल छेदी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। ये बता दीजिए कि विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव होगा या जातीय आधार पर चुनाव? नहीं, कोई जातीय आधार नहीं है, केवल विकास और राष्ट्रवाद। राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने जो किया है, आज के 70 साल पीछे चले जाइए, किसी ने नहीं किया है। तो आने वाले समय में जो भी राष्ट्रीय स्तर पे विकास दिख रहा है, किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा तो यहाँ का विकास है, और किसी भी हाल में मोदी को टक्कर देने वाला अभी कोई नहीं है। मोदी हर हाल में इस बार विकास के नाम पे वोट होगा या मोदी के नाम? मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर। और तो बहरहाल ये कुछ वस्तु स्थिति है। एक जाम जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्थानीय समस्या है सासाराम में। बहरहाल हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ दूसरे पड़ाव पे किस तरह की सोच है मतदाताओं ने, क्या कुछ मन बना रखा है और इस चुनाव को लेकर क्या वो राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। हलबंडी में, सासाराम में किस तरह से लोग सोचते हैं, इस चुनाव को लेकर किस तरह का मन बना रखा है हम जानते हैं। चाची जी, आपसे बात करें तो चुनाव जो है किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे? अच्छा हो रहा है। मुद्दा होगा मोदी के वोट दिल जाये, बाकी वोट तो दे दी जाए मोदी के, सरकार कोई के बने अच्छा से, बाकी उनका चमचा जो है गरीब के लिए कुछ हक नहीं मिलते देते। हम एक विधवा महिला है, मेरे पास 4 बच्चा है, यहाँ पर बेचते हैं, बाकी हमारे पास एक राशन कार्ड नहीं है, नहीं तो हमको विधवा पेंशन मिलती है। अच्छा, ये बताइए तो सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमारे गांव का मुखिया सरपंच आ जाए तो हम इस कारण उसका आंख में मर्चा डाल देगी। हमारे गांव का मुखिया सरपंच भी नहीं करते है कोई काम। हम भी महदीगंज पंचायत से, महदीगंज का महिला है। किस तरह का मुद्दा होगा चुनाव में? मुद्दा क्या होगा, वो नरेंद्र मोदी जो कर सकते हैं करेंगे, वरना और किसी पे उम्मीद नहीं है। अच्छा। जो भी कुछ है नरेंद्र मोदी पे ही है, जो करेंगे वही करेंगे, जो नहीं करेंगे सो वही करेंगे। तो वोट उन्हीं को जाएगा? वोट तो उन्हीं को जाएगा। उम्मीदवार के नाम पे नहीं? नहीं, नहीं। नरेंद्र मोदी के ही वोट जाएगा कम। तो उम्मीदवार को लेकर लोगों में नाराजगी है, कुछ और लोगों से हम जानते हैं। बाबा, अगर आपसे बात करें चुनाव में क्या मुद्दा होगा? मोदी जी, हाँ मोदी को देख रहे हैं हम लोग, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। अच्छा। मोदी ही देश को सुरक्षा कर सकता है, और कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। कांग्रेस 70 वर्ष में कुछ नहीं किया, देश को खोखला कर दिया और देश में लड़ा दिया हिंदू मुसलमानों को। आप बीजेपी के लोग हैं? बीजेपी के लोग। अच्छा, तो खैर ये बीजेपी के लोग हैं, लेकिन कुछ आम लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या वो सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। आप वोट डालते हैं यहाँ पे? जी हाँ, वोट डालते हैं, मगर हम लोग का ऐसे गांव में है कि शौचालय जो पैखाना दिया है आज तक 8 शौचालय नहीं बना, किसी को कॉलोनी नहीं मिला का लाभ नहीं। कॉलोनी मिलता है सर, बेच देता है। आज शौचालय है जो बेच देता है, गरीब का ऊपर कोई काला ख्याल नहीं है। जो अमीर है इस तरह की बातें भी समझ में आता है। बिल्कुल, अमीर लाता है पैसा बटने के लिए, पटना से आता है ससुराल में उड़ जाता है, मगर गरीब भूखे भूखे रह गया। गरीबी कटेगा नहीं, देखिए गरीबी कटेगा नहीं। नहीं, नहीं, हम वोट देते हैं, मगर हमारा गरीबी कटने वाला कोई नहीं। कम से कम वोट जरूर दीजिए। हाँ जी जी, वोट देंगे। कौन सा सारी शौचालय कॉलोनी बिचा गया। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं क्या मुद्दा होगा। मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए, विकास का ही है। जनप्रतिनिधि से खुश है? हाँ, जनप्रतिनिधि उनके काम काज से खुश है। मीरा कुमार आपकी नजर में कैसी उम्मीदवार है, दोनों में अगर अंतर करें? मैम, मीरा कुमार भी अच्छी है, लेकिन केवल मीरा कुमार कहीं लेकर चला जाए तो नहीं होगा। आगे आपका जो केंद्र है
केंद्र में किसका शासन हो, कौन अच्छा काम कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा। इस तरीके से बातें जो निकल कर आ रही हैं वो अस्पष्ट है। बहरहाल कुछ और लोगों से हम मिलते हैं किसी दूसरे चौक चौराहे पर और सासाराम की तासीर टटोलते हैं कि आखिर इस चुनाव में तापमान जो बढ़ रहा है वो राजनीतिक तापमान किस तरीके का है और किसके पक्ष में पारा झुका हुआ है और किसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये हम टटोलने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। ये जो सड़क है जिस पर हम हैं, ओल्ड जीटी रोड है, आगे जाकर ये जीटी रोड में मिल जाती है और शेरशाह ने कोलकाता से दिल्ली होते हुए पेशावर तक इस सड़क का निर्माण कराया था और जाहिर तौर पे उस जमाने में जो सड़क बनाए गए थे एक अपने आप में बहुत ही नायाब कहा जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आधारभूत संरचना को लेकर, और ये शेरशाह का शहर है। तो यहाँ पे हम टटोलते हैं लोगों का मन मिजाज और देखते हैं कि जनता क्या कुछ सोच कर रखी है इस चुनाव को लेकर। शेरशाह के शहर में सासाराम में और शेरशाह सूरी उच्च विद्यालय यहाँ पे, और बहुत ही सघन बाजार है यहाँ पे, घनी आबादी है। जानते हैं कि चुनावी तापमान यहाँ पे अभी बढ़ा है या नहीं। भाई आप ये बताएं कि क्या अभी चुनावी पारा चढ़ गया है या देर लगेगा सासाराम में? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो मन मिजाज बना लिया वोट देने को लेके? हाँ, मन मिजाज तो बन गया है। क्या मुद्दा होगा अभी नहीं मालूम है। अभी ये नहीं मालूम है क्या मुद्दा, अभी सोचेंगे जी। कुछ और लोगों से जानते, भैया ये बताएं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी, विकास, ठीक ना? बेरोजगारी और विकास के नाम पे। बाबा ये बताइए कि अपने जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे 5 साल आपके प्रतिनिधित्व किए, उनके कामकाज से खुश हैं? खेती पासवान, अरे खुश का है, ठीक ही है, जो चल रहा ठीक ही है, जो चल जाए वो ठीक है। हाँ। अच्छा, तो विकास के नाम पे वोट होगा कि जात के नाम पे? जात के नाम पर तो देश चला जाएगा हवा खाने, विकास के नाम पर। विकास के नाम पे यहाँ पर कोई भी नहीं है कैंडिडेट बढ़िया। हाँ हाँ। यहाँ सब आज मीरा कुमार स्पीकर थी, देख रहे हैं संसदीय आज स्पीकर होते हुए कुछ नहीं की सासाराम के क्षेत्र में। छेदी पासवान भी जीते, कुछ नहीं की है, यहाँ के लिए दुर्भाग्य है, समझ गए? मगर मोदी एक कैंडिडेट जो है छेदी पासवान एकदम रद्दी आदमी है। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, विकास के नाम। फिर से बताएं क्या हुआ? मोदी जी तो ठीक हैं, लेकिन उनके सपोर्टर जो हैं छेदी पासवान गलत आदमी हैं। यहाँ कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अभी हमारे यहाँ जहाँ पर हमारा मकान है वहाँ पर 500 मकान है और पूरा इतना पानी भरा हुआ है, ना नाला का निकास है ना कोई कुछ है। ये बताइए कि क्या बात देख के मुद्दा क्या होगा जो वोट देंगे? वोट तो हम मोदी जी को देख के देंगे, मगर उनके आदमी जो है गलत है, तो मजबूरी में वोट देंगे। हम मजबूरी में वोट देंगे मगर मोदी जी को देंगे। अच्छा, जिसे भी दीजिए, ये आपका अधिकार है, वोट दीजिएगा जरूर। आप बताएं क्या मुद्दा होगा? मुद्दा बहुत अच्छा, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। अब पूरा ससुराल का मुसलमान देगा उनको वोट, और उससे बढ़िया नेता कोई नहीं हिंदुस्तान में, कोई नहीं है, न कोई आएगा और न कोई आएगा। मैं मुसलमान होकर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे आदमी, और उनके जो कैंडिडेट है वो 420 है, 420 है। नहीं तो मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बहुत नहीं देना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरा दावा है। इस तरीके से तमाम सारे लोग जो हैं अपने अपने स्तर से चौक चौराहे पर अब सरगर्मी भी तेज हो गई है, चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि एक बात जरूर है कि जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कई तरह की बातें जो है वो आ रही हैं और तमाम सारे लोग जो हैं एक स्वर से मीन मेह की बातें कह रहे हैं। तो बहरहाल जब टिकट का बंटवारा होता है उसमें पार्टी को ये जरूर सोचना चाहिए कि आम सारे लोग जो है जब आस्था जता रहे हैं तो उनका जो मन मिजाज है वो आहत ना हो, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और किसी और चौक चौराहे पर चलकर जानते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इस चुनाव को लेकर मन मिजाज बना रखा है। आइए मेरे साथ। सासाराम का अड्डा रोड है, बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार यहाँ का, और तमाम सारी जरूरत की सामान जो है वो इस बाजार में मिलती है और शाम के समय इस बाजार की रौनक देखते ही बनती है। क्या मुद्दा होगा चुनाव में?
मुद्दा तो कुछ नहीं है, मगर देश के विकास में मोदी जी को वोट देना है। मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। कोई उम्मीदवार नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। मुद्दा क्या? यहाँ थोड़ा मुद्दा सांसद को थोड़ा देखना है, देश बचाना है, देश में देखना है, मोदी को देखना है कि सांसद का हमें घर दुकान चाहिए, कमाना है, सब खाना है। चलिए, या कुछ और लोगों से हम जानते हैं कि हम क्या बताएं। हाँ सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ का जो स्थानीय प्रसादी छेदी पासवान है, वो कोई विकास का काम नहीं किया हमारे शहर में। वो सिर्फ मोदी के नाम पर जीतना चाहते हैं। वो कभी भी जीतने के बाद हमारे शहर में नहीं आए हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा विकास का काम। वो उनको लग रहा है कि हम सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। वो कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं किए हैं। हमारा कहने का, सरकार केंद्र सरकार अच्छी काम कर रही है, बीजेपी की सरकार, लेकिन हमारे शहर में कैंडिडेट दूसरा होना चाहिए था बीजेपी की तरफ से। वो कैंडिडेट हमारे शहर के लोगों का मांग था, चेंज होना चाहिए था, लेकिन छेदी पासवान यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत है? बात सही है, एकदम बात सही है। आप बताएं। बात सही है सर, यहाँ की गांव की और शहर के लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ का जो मेन कैंडिडेट है उसको चेंज करना चाहिए भाजपा का। मजबूरी है छेदी पासवान, वोट किसी कोई देना चाहता है, लेकिन मोदी जी को देख बस वोट देना चाहता है कि हमारे इंडिया आगे चलता रहे। बस यही ओनली पसंद। वोट लेने का तो फिर नजर छोड़ो, क्या मुद्दा होगा वोट के लिए? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा कि आपके मोदी सरकार बनेगा, कि जात के नाम पे वोट होगा। नहीं, हाँ, जाति के नाम पे मत समझिए, काम पर नाम पर होता है, काम के नाम पे। हाँ, आप बताओ भाई, वोट जो है किस आधार पे होगा? रोजगार का दर पे होगा। रोजगार तो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, रोजगार बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, अच्छा, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं लोगों से कि किस तरह की राय है। सर, अगर आपसे हम बात करें, क्या मुद्दा है चुनाव में, बाजार में क्या मन मिजाज है लोगों का? लोगों का यहाँ मोदी का मिजाज है और विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं हम लोग। तो ये जो अट्टा बाजार है, इसमें अड्डा रोड, सबकी यही स्थिति? जी जी, सब लोग यहाँ मोदी को वोट देना चाहते हैं विकास के मुद्दे पर। तो मीरा कुमार तो अच्छी कैंडिडेट है। मीरा कुमार यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ उनके द्वारा। तो लेकिन तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि भाई छेदी पासवान भी कुछ नहीं किए, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पर वोट देते, मोदी के नाम। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है। उम्मीदवार की जो आपस में कंपेरिजन है वो यहाँ पे नगण्य है। लोग कई सारे नाखुश भी हैं उम्मीदवारी को लेकर, लेकिन जो बात है वो राष्ट्रहित की कही जा रही है, देश की कही जा रही है, और वोट जो है इसी आधार पे करने की बात लोग कर रहे हैं। सासाराम शेरशाह की नगरी, और ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये आइकॉनिक मकबरा, और अगर बात करें तो शेरशाह द्वारा निर्मित खूबसूरत इमारतों में सासाराम स्थित ये जो मकबरा है वो अद्वितीय है। योजना के लिहाज से विशाल स्थापत्य कला या सादगी का ये नायाब नमूना है। बहरहाल, शेरशाह ने कई ऐसे काम किए हैं जो कि किसी भी जनप्रतिनिधि, हालांकि राजा राजवाड़े का जमाना था, लेकिन आज के समय में अगर देखें तो किसी भी जो जनप्रतिनिधि है उनको शर्मिंदगी होगी जिस तरीके से जनहित के काम किए हैं। जगह जगह पे सराय, पेड़ लगाना, सड़क, जीटी रोड का निर्माण, तमाम सारी बातें। लेकिन अगर सासाराम की अगर बात करें तो यहाँ पे सड़क को लेकर या जन सुविधा को लेकर कई शिकायतें हैं। बहरहाल, हम ये पूछते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा, मोदी मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा जी। आप बताएं क्या है मुद्दा? यहाँ पर राष्ट्रीयता पहली मुद्दा है, उसके बाद में साफ सफाई वगैरह और डेवलपमेंट अगला मुद्दा है। तो विकास के नाम पे वोट होगा या जात के नाम पे? नहीं, विकास के नाम पर बिल्कुल, जात से क्या, जात में क्या रखा हुआ है भाई? आप बताएं क्या, किस मुद्दा पे वोट होगा? यहाँ विकास के मुद्दा पर होना चाहिए, यहाँ जातिवादी नहीं होगी। हाँ, विकास के नाम पे ही, मतलब कि चुनाव और मोदी का सरकार माने बनाने के लिए हम लोग विचार और विमर्श सोच रहे हैं। तो तमाम सारे जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं इस मकबरा को देखने को लेकर, और अगर बात करें तो सासाराम जो लोकसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा, और इसमें 5 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि अगर बात करें तो एक सीट जो सासाराम है वो आरजेडी के कब्जे में है। लेकर लेकिन एक बात यह भी स्पष्ट है कि सासाराम पे जिसका कब्जा हुआ, यानी जो सासाराम से सांसद चुनकर गए, उन्हीं की दिल्ली में केंद्र में सरकार बनी है, और आजादी के बाद से जितने अब तक चुनाव हुए हैं
उसमें ये ट्रेंड अब तक लागू है और सही साबित हुआ है। तो अब ये देखना है कि ये जो आखिरी चरण की जंग है बिहार में 8 सीटों की, उसमें सासाराम भी शामिल है, और जनता किसको नवाजती है अपने ईवीएम में बटन दबाकर मत का प्रयोग करके, और किसे जिताती है, किसे विजय बनाती है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, सासाराम।